लाइन की स्टार्टिंग किस सन में शुरू हुई और कैसी हुई उसके बारे में बताइए। सर बहरहाल हमारा तो रुचि जो रहता था बहुत ज़्यादा संगीत में रहता था और कहीं न कहीं संगीत के बहुत लोभी थे, और क्योंकि हमारे जीवन में मैं इसके पहले सिलाई 1989 से मैंने सिलाई करना शुरू किया और गाना के बहुत ज़्यादा हम शौकीन थे, और उसके माध्यम से हम धीरे धीरे अपने अंदर में एक जुनून आया जो कि हमने शुरुआत में स्वयं गीत लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम इसको गुनगुना देते थे, लोगों को ये लगा, उन्होंने हमें कहा कि आप इसकी कैसेट वगैरह बनवाइए, मुझे पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए संघर्ष जो करता है उसको एक लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। जी जी बिल्कुल। तो हमने शुरुआत किया और सबसे पहले मैंने इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए लखनऊ दीपाली स्टूडियो मैंने रिकॉर्डिंग करवाई। जी दीपाली स्टूडियो। जी और वहाँ से रिकॉर्डिंग करवाया और वो गाना हमारा बजा और बहुत अच्छा मुझे प्यार दुलार लोगों को मिला, क्योंकि उस समय कैसी बजती थी तो जहाँ हम जाते थे तो लगभग देखते थे हमारा गाना जो है चल रहा है, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। हमने कहा अगर इतना लोग मुझे पसंद कर रहे हैं जी। तो चलिए ठीक है, इससे आगे मैं और संघर्ष करता हूँ। इस तरह से मैंने शुरुआत की। जी पहला वायरल गाना कौन सा था जो खूब बजा और खूब उसकी कैसेटें भी थी, कुछ याद? जी उस समय हमारा गीत था लागेली सड़वाइन। अगर एक दो लाइन याद हो तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि यादें ताजा हो जाए। अरे लागेली सड़ुआइन, अरे लागेली सड़ुआइन, भौजी तोर बहिनिया लागेले सड़ुआइन, भौजी तोर बहिन। दुइट में गीत था हमारा ये। अच्छा, अच्छा। तो ये मेरा गीत था और मेरे साथ में एक हमारे ही लगभग नजदीक की गायिका थी जो कि उसका जवाब दे रही थी। अच्छा। और अरे गईला पगलाई, अरे गईला पगलाई, काहे के देवरा गईला पगलाई, काहे के देवरा। तो ये गीत हमारी थी और बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला और अच्छा मुझे लगा, इसलिए फिलहाल मैं आगे का प्रयास जारी रखा। जी जब आपके कैसेट लोगों में बजने लगे तो आपकी डिमांड भी कुछ होने लगी होगी लोगों में, तो उसके बाद किसी कैसेट कंपनी ने आपसे संपर्क किया था? यस यस। हाँ। ये नाइस कंपनी जो है मौके पे बम्बई की कंपनी थी। हाँ। तो उन लोगों ने मुझे बताया, कहीं न कहीं से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है आपका गीत बहुत बढ़िया है तो इसलिए आपकी कैसेट जो है मैं लॉन्च करूँगा, और कैसेट लॉन्च मारी किए जरूर लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ गद्दारी कर गए। अच्छा जी। और गद्दारी में हमारी कैसेट उस समय हम लोग बहुत संघर्ष किए थे, बनारस में हमारी शूटिंग हुई थी और हमारी बात उनसे कुछ और हुई थी, लेकिन जो बात हमारी उनकी हुई थी वो चीज़ न कर पाए, न दोबारा उनको हम अपनी कैसेट दिए। नाइस कंपनी के बाद आपने तमाम गीत गाए होंगे, तो एक गीत जो है आपका बजता है पचरा। जी आज भी अभी नवरात्र बीता है तो मैं कई जगह से गुजर रहा था, कई पंडालों में आपका पचरा जो है बहुत बजता है। जी सर। अगर उसका एक दो वायरल गीत हो, कुछ गाना याद हो तो एक दो शब्द गुनगुनाइए। हर शेर के सवारी मैया, हर पर्वत पहाड़ ऊपर, हथवा मिली हु तलवार मैया जननी, हथवा मिली हु तलवार मैया जननी, हथवा मिली हु तलवार मैया जननी हो, हथवा मिली हु तलवार मैया जननी, भगतन क देलू आसी बाट विश्वास सबका, भगतन का देलू आसी बाट विश्वास सबका, पपियन कै करेलू संघार मैया जननी, पपियन कै करेलू
संघार मैया जने। तो संत कुमार जी ये बताइए, इतनी अच्छी प्रतिभा होने के बाद भी आप धीरे धीरे इस कला क्षेत्र से बाहर होते गए, ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपको छोड़ना ही पड़ा गायकी? सर बहुत अच्छी बात आपने पूछा मुझसे, ये तो सत्य है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता है, यानी कि अगर इसका नाम मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन क्या किया जाए, वो मजबूरी थी हमारी कि हम वहाँ पे खर्च लगता है, और जो कि उस समय सपोर्ट बहुत कम लोगों को मिला, हम ऐसे जगह से थे, गरीब परिवार से थे, इसलिए हम वो वहाँ तक नहीं कर पाए, इसीलिए हमें थोड़ा सा दिक्कत आई, और मेरा भी रुचि था, मेरा भी वो जो आत्मबल था, हम सोचते थे कि एक इतिहास अपना रचूं, बहरहाल वो कहीं ना कहीं मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। रुकिए जी, मौके पर मैं सिलाई करता हूँ, सिलाई तो हमारा बहुत पहले से है, लेकिन इसके साथ साथ में मैं एक एनजीओ भी चला रहा हूँ। अच्छा, और एनजीओ में हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि मैंने कहा कि जैसे मैं संगीत में भी विचार बनाया कि कुछ इतिहास रचने का, एनजीओ के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के बीच में हम जाएं और वो प्यार दुलार मिले, वो सुविधा उनको हम प्रदान करवाएं, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार माध्यम से उनको तक नहीं पहुँचती है, और संस्था के माध्यम उनको दिलवाया जा सकता है, और अभी मैं मौके पर स्वास्थ्य में। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य के जुड़े? जी जी जी। तो क्या आपकी एनजीओ में क्या सुविधाएं दे रही है, आप कुछ बताएं, कुछ महिलाओं मिले और मान सम्मान भी मिले, और मैं लोगों के बीच में हमेशा बना जी, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुझसे जितना भी बन पड़े मैं लोगों के बीच में आऊं और उनको प्यार दुलार दूं। दोस्तों, ये उस समय के कलाकार हैं कि जब खेसारी, पवन सिंह या और वायरल कलाकार जो थे उनका नामो निशान नहीं था, निरहुआ तक का तो पता नहीं था। उस समय भरत शर्मा चलते थे जी, बनारसी दास चलते थे जी, और बिरहा में आपके हैदर अली जुगनू हो गए, उस जमाने के कैसेट कलाकार हैं। उनके बारे में क्या, निरहुआ के बारे में पूछ रहे हैं आप, कुछ था उस समय कुछ बताइए। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। हाँ, ये सत्य है कि उस समय हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे, अच्छा, तो उसी के कुछ ही दिन बाद मैंने डायरेक्टली तो मिला नहीं, लेकिन एक नटराज कंपनी है, अच्छा, बनारस में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है कि रिकॉर्डिंग होती थी या वहाँ से कैसे निकलती थी, तो वहाँ पर हमें पता लगा कि वहाँ दिनेश लाल भी आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई वहाँ की गहराई मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उस समय तो वो फेमस नहीं थे। अच्छा, बहरहाल लेकिन उसी समय हम लोग भी शुरुआत किए और अच्छा रिस्पांस भी मिला, अब दूसरे के बारे में क्या ज़्यादा जानकारी तो नहीं मुझे है। ठीक है सर, वो कहा जाता है उस समय नाइस कंपनी ने निरहुआ को रिजेक्ट कर दिया था, उनका ऑडिशन वगैरह हुआ था शायद, जी सुनने को मिला था यही। हाँ, कि वहाँ पर गए थे और क्योंकि उस तरह का गला नहीं था, यही लोग से सुनने को मिला। अच्छा, और हम लोग नटराज कंपनी में गए भी, वहाँ पर भी हम लोग के लिए तैयारी, कहे कि ठीक है सर जी आप लोग आइए, लेकिन हमारे एक मित्र थे जो कि अपने यहाँ की है, तो उनका संपर्क जो था नाइस कंपनी से था जी, और उसके माध्यम से ज़्यादातर हम लोग नाइस कंपनी से ही कोशिश किए कि हमारी कंपनी नाइस कंपनी से निकले, क्योंकि वो फिल्म रिलीज करती थी। अच्छा जी, अब दो चार गीत बाबा साहब के लिए। एकदम एकदम, क्यों नहीं। अरे 14 अप्रैल भीम हर लिहले जनमवास घर दहिया चमके, हर 14 अप्रैल साहबे हर लिहले जनमवास घर दहिया चमके, हर सूरज के समनवा सुघर दहिया चमके, सूरज के समनवा सुघर दहिया चमके, हर गोदिया मिली है माई भीम ललनवा सुघर दहिया चमके, सूरज के समनवा सुघर दहिया चमके। सर पूरा याद नहीं रहता है ये, और अकाद अगर भीमवादी गीत आपको याद हो अकाद दूसरा कोई है तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। हनुमान ले साहब जी कई सुंदर विचार हो वीरन तुहरी नैया नहीं, हनुमान ले साहब जी कई सुंदर विचार हो वीरन तुहरी नैया ना तो लागी बेड़ा पार हो
पीरन तोहरी नैया नाही, लागी बेड़ा पार हो पीरन तोहरी नैया नाही। सारा अधिकार दिहे सुना मोरे भैया, सारा अधिकार दिहे सुना मोरे भैया, अब ना करे के परी फिर से हार भैया, अब ना करे के परी फिर से हार भैया। हर कई गैले साहब हमरे, कई गैले साहब हमरे, सब कई उद्धार हो बीरन तोहरी नैया ना तो, अरे भैया तोहरी नैया नाही, लागी बेड़ा पार हो बीरन तोहरी नैया नाही। दिहे अधिकार सारा कैला पढ़ैया, दिहे अधिकार सारा कैला पढ़ैया, भूली जा विचार अब तू टूटही मरैया, भूली जा विचार अब तू टूटही मरैया। गली गली कूचे कूचे, गली गली कूचे कूचे, मिली सम्मान हो बीरन तोहरी नैया नाही, बीरन तोहरी नैया ना तो, लागी बेड़ा पार हो बीरन तोहरी नैया नाही। दुखवा मिटाए सुखवा मिले मोरे भैया, दुखवा मिटाए सुखवा मिले मोरे भैया, साहब मिटाई दिहे सगिरो लड़ैया, साहब मिटाई दिहे सगिरो लड़ैया। खुशियाँ मनावा लेके, खुशियाँ मनावा लेके, साहब जी के नाम हो वीरन तोहरी नैया नाही, लागी बेड़ा पार हो वीरन तोहरी नैया नाही। लास्ट में है सर जी, लिखे संविधान कैले शांत राधा दी, लिखे संविधान कैले भारत के नामवा, जतिया धर्मवा के तोड़ेले बंधनवा, जतिया धर्म हो वीरन तोहरी नैया नाही, लागी बेड़ा पार हो वीरन तोहरी नैया। सर जी देखिए एक और होता है कि जब किसी चीज़ का जैसे कहते हैं श्रृंगार किया जाए ना, तभी अच्छा लगता है, और इसलिए अभी गाने में भी वो जो जोश होता है, जो जुनून होता है, इस तरह से नहीं आता है। कोई बात नहीं सर। भैया की साली, भैया की साली जी, उसका नाम हमारा था भैया की साली, उसमें इस तरह गीत थी कि जो भैया की साली के ऊपर, लेकिन उसी समय हमारा रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग हुआ था, शूटिंग वूटिंग हो गई थी, लेकिन एक कैसेट शायद दिवाकर या किसी की भैया के साली के नाम से आ गया था, तो उसी का मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, उसका नाम कर दिए थे दीदी का देवरा। दीदी का जी, उसका सिर्फ नाम हमारे दीदी का देवरा। दोस्तों, तो दोस्तों सर जी का इंटरव्यू समाप्त हो गया। आप सभी लोगों का कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखो शाम भी हो गई है, और शाम भी हो चुका है, और हम लोग भी यहाँ से जाने वाले हैं घर। सर आपको कैसा लगा इंटरव्यू बताइए। सर बहुत अच्छा लगा जी, और आप लोग से मिलकर बहुत मुझे खुशी भी हुई जी, कि अगर आप लोग हम जैसे जो भूले बिछड़े पीछे खो गए हैं, अगर आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही नए कलाकार के साथ।